तो दोस्तों पहले ही बता दूं कि मैं एक नुबड़ा हूँ और बहुत ही बेकार इंसान हूँ। ठीक है, तो क्या कर सकते हो, मेरे पास टाइम तो बहुत है लेकिन मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाता गेम के अंदर। ठीक है, तो जो भी हो, कोबरा पार्टी जो नया ग्लू वॉल का स्किन आया था, सो मैं रात में सब चीज़ों का नाम नहीं लेता, फिर भी लेना पड़ा, कोई बात नहीं। तो गारंटेड सुपर स्पिन मत कीजिए भैया, ठीक है, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। 35 हमारे इधर शायद 20 डायमंड का एक स्पिन आया होगा, ठीक है, तो वही एक नॉर्मल स्पिन कीजिए। 5 नॉर्मल स्पिन में एक गारंटेड प्राइज़ मिलेगा, 5 गारंटेड ग्रैंड प्राइज़ है, ठीक है, तो ग्लोबल मिल जाएगा, कोई उतनी मुश्किल बात नहीं है। तो सिंगल स्पिन कीजिए, 5 स्पिन में एक गारंटेड ग्रैंड प्राइज़ मिलेगा। ये स्केटबोर्ड है, पैराशूट है और लूट क्रेट है और पेन है और ग्लू बॉल। ग्लू बॉल के लिए आपको बहुत सारा डायमंड खर्च करना पड़ सकता है, बट ग्लू बॉल मुझे बहुत ही अच्छा लगा, डिज़ाइन है, ओपी है, ठीक है। और इलाइट पास प्री ऑर्डर चल रहा है, अगर प्री ऑर्डर लेना है 50 डायमंड और साथ में ये हैट अगर चाहिए आपको, 50 डायमंड अगर फ्री बैजेस के लिए लेना चाहते हो तो लो भाई। इलाइट पास परचेस मत करो, मैं फिर से कर रहा हूँ भाई, इलाइट पास अगला सीज़न का परचेस मत करो। इस सीज़न मिस्ट्री शॉप शायद नहीं आएगा, कोई भी इलाइट पास का डिस्काउंट शायद नहीं आएगा। आप इलाइट पास परचेस कर सकते हो कल सुबह 10 बजे, 2 बजे के बाद ही परचेस करना कल, ठीक है, फिर भी कोई चांस रहता है। तो अगले महीने तो 24, 25, 26 तारीख तक मिस्ट्री शॉप आने का चांस है, जिधर आपको इलाइट पास में डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। तो इलाइट पास अगर बाई करना चाहते हो ना 500 डायमंड की करीब से, ठीक है, तो मत बाई करो, मत परचेस करो यार। अगर अभी आपको इलाइट पास चाहिए तो इलाइट पास प्री ऑर्डर बाई करो, उसमें आपको 50 बैजेस एक्स्ट्रा मिलता है और एक फ्री का हेड भी मिलता है, जो कि अलग बात है, हर बार चेंज होता रहता है, ठीक है। इलाइट पास प्री ऑर्डर अगर परचेस करना है तो भाई बंडल परचेस करो, इलाइट पास परचेस मत करो, ठीक है। इलाइट पास बंडल, पूरा बंडल जो 50 बैस के साथ आता है वही परचेस करो। और इलाइट पास को आपको परचेस करना है अगले महीने 24, 25, 26 तारीख के बाद, ठीक है। तो आज एक फ्री में कैरेक्टर मिलना था, ये रहा रिवॉर्ड बॉक्स, और इधर से आपको मिलेगा ये फ्री में कैरेक्टर, ठीक है। तो इसका स्किल का क्या है भाई, इसका स्किल क्या है मुझे नहीं पता, मैं भूल गया भाई, ठीक है, क्या बताऊँ मैं, पता नहीं भाई इसका स्किल क्या है, मेरे को पास पढ़ने का टाइम नहीं, पढ़ने का दिल नहीं है बस, ठीक है। इसका स्किल तो बता देगा बट मेरे पास दिल नहीं है पढ़ने का, ठीक है। जो भी है इसका स्किल तो आप कमेंट करके बताना, अगर फुर्सत मिले तो आपका कमेंट पिन कर सकता हूँ मैं, बस डिटेल में बता देना कि इसका स्किल क्या है, बस आपके ऊपर छोड़ता हूँ। बस ये मिलना तो आपको कल ही आपको, ठीक है, यानी कि सुबह 4 बजे के बाद ही शायद मिलेगा, पता नहीं कब मिलेगा, हाँ सुबह 4 बजे की बाद, 4:30 या 4 बजे के बाद ही आपको ये इधर से लॉग इन रिवॉर्ड में देखने के लिए मिल जाएगा। फ्री का कैरेक्टर, फ्री का माल है, उठा लो, वरना पता नहीं कब मिले ना मिले, ठीक है। और इसका वीडियो के बनाया मैंने वीडियो, पता नहीं यार, यार मैं इतना भाई साहब, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा दिमाग एकदम गया, एकदम गोबर भरा है भाई, क्या बताओ। और क्या मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया था, पता नहीं यार, क्या है ये ट्यूटोरियल मुझे नहीं चाहिए भैया, क्या है ये क्या है भैया, क्या है, क्या ये स्पिन करना पड़ता है, पता नहीं भाई, ये नया कॉस्ट्यूम लगता है मेरे को, मैंने इसके बारे में शायद वीडियो नहीं बनाया, ठीक है। तो एक चिमकांडी लूल प्रोडक्ट है, तो इसका वीडियो बनाना पड़ता है। तो ये क्या है भाई, ये कुछ इनक्यूबेटर जैसा भी लग नहीं रहा, तो रिवॉर्ड कैसे मिलेगा भैया, ये 5 टोकन से मिलेगा, ये 5 टोकन से, ये वाला टोकन चाहिए हमको कलेक्ट किधर से मिलेगा स्पिन करने के बाद। प्राइस सामान, सारा सामान देखना पड़ेगा, क्या है पता नहीं भाई, कैसे होता है क्या कुछ, ठीक है, मुझे नहीं पता इसके बारे में, अगर आपको पता है तो बता दो, क्या बताओ इसका डिटेल में। वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है, बात ये, और मेरा व्यू ऑल प्राइस इधर प्राइस दिखेगा, अगर स्पिन करोगे तो आपको ये टोकन मिलेगा, जिस टोकन से आप एक्सचेंज कर सकते हो, वो धमासान
धमाकेदार बंडल। और आप तो देख सकते हो ये लाल वाला है जो हाथ का ये आग निकलते हैं ना, ये भी एक शो पीस है, शो पीस आइटम है, ये भी आपको मिल रहा है इधर से। तो ये दो लेजेंडरी आइटम है, बाकी ये तो पाँच मिल रहा है, ये तो कोई बेकार से, और बाकी तुच्छा सामान मिल रहा है। यानी कि स्पिन करना बनता है, एक बार में पाँच स्पिन करो, एक एक स्पिन मत करो क्योंकि पाँच स्पिन में ही निकलता ज़्यादा है, ठीक है। और ये सब आपको मिल सकता है, फ्लैग फ्लैश, ठीक है। और उसके बाद आपको एवोल्यूशन कॉइन भी मिल सकता है तीन में, बस वो परचेस मत करो। और ये एक के भी एकदम बेकार है, फालतू है, अगर कलेक्शन के लिए चाहते हो तो ले लो वरना मत लो, ठीक है। और पांच कॉइन से कॉस्ट्यूम कलेक्ट कर लो, बहुत ही ओपी दिखता है, ठीक है। और बहुत ही ओपी कॉस्ट्यूम है भी ये, तो ये डिजर्व करता है इतना सारा डायमंड, तो लगा दो, ठीक है। एक बार में पाँच स्पिन स्पिन करो, और बहुत ही अच्छा है इवेंट, ठीक है। एक बार में पाँच स्पिन करो, और ये फिस्ट के लिए तो ज़रूर स्पिन करो, ठीक है। फिस्ट निकल जाए तो बहुत है भैया, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया इवेंट था आज, मैंने आपको बता दिया, पता नहीं ये कल आया था कि परसों, आज कल आने वाला है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा गेम नहीं खेलता 27 से। ये कल आने वाला है, आने वाला इवेंट है, थोड़ा डिटेल्स भी बता दिया। और ये फिस्ट है, फिस्ट ले लो, बाकी रहने दो, ठीक है। मुझे नहीं पता, मैं आज गेम ही नहीं खोल पाया, पता है भाई, बहुत दुख होता है मेरे को, पता नहीं मेरा क्या होगा, एक दिन मर जाएंगे कुत्ते की मौत, बाकी देखा जाएगा जो भी होगा, ठीक है। तो यही था आज के वीडियो में, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आएगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ज़रूर कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और अपने एक दोस्त के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाकी मैं बहुत ही दुखी हूँ, पता नहीं चैनल कभी बंद बंद हुआ ना कर दूँ, पता नहीं यार, दिमाग ख़राब है मेरा, मैं बहुत ही आलसी हूँ, निकम्मा हूँ, घटिया आदमी हूँ, पता नहीं भाई क्या करूँ यार, मैं हूँ ऐसा तो हूँ, नहीं और दुख नहीं बांटना, चलो भाई।